मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स वायरस के मरीज नहीं मिले हैं, मगर यूपी एमपी सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अब तक दुनिया भर के करीब 20 देशों में मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है और इन देशों से यात्रा कर लौट रहे लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। बढ़ते मंकी पॉक्स मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण हैं बुखार, बदन दर्द, शरीर में दर्द और चकत्ते दाने पड़ जाना। वैसे तो ये 7 दिन या 14 दिन या फिर 21 दिन से भी ज़्यादा समय तक ये रहता है, लेकिन जिस तरह से अब 20 देशों में मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है, इसको देखते हुए भारत में भी एहतियात बरती जा रही है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मामला लंदन में 5 मई को सामने आया था और उसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों में ये संक्रमण मिले हैं और धीरे धीरे अब ये करीब 20 देशों में फैल चुका है और करीब 200 मरीज अब तक मंकी पॉक्स के मिल चुके हैं। आपको बता दें कि यूरोप, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन में भी मंकी पॉक्स के मामले मिल चुके हैं। आम तौर पर मंकी पॉक्स वायरस जो है ये जानवरों में पाया जाता है और जानवरों से ये फिर इंसानों में आता है और इंसानों के ज़रिए ही इंसानों में फैलता है, जैसे कि सांस लेने के दौरान या फिर आँख, मुंह, नाक के ज़रिए ये शरीर में प्रवेश करता है। बेहद ही सावधानी बरतने की अब ज़रूरत है। मरे हुए जानवरों से दूरी बनाए रखना ज़रूरत है और साथ ही साबुन से हाथ धोना या मास्क या ग्लव्स पहनना भी बेहद ही अब जरूरी है। वैसे तो भारत के हर राज्य को एडवाइजरी जारी की गई है और इसके लिए हर राज्य अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है।